सरकार की एक ही कार्यशैली है, सबका साथ सबका विकास। आर्थिक रूप से दुर्बल सवर्णों को सशक्त करने के लिए मोदी सरकार एक के बाद एक फैसले ले रही है। जितनी बड़ी चुनौतियां हैं उतने ही बड़े और ईमानदार हमारे प्रयास। नौकरी व उच्च शिक्षा में 10% आरक्षण का ऐलान करने के बाद मोदी सरकार उच्च शिक्षण संस्थानों में गरीब सवर्ण छात्रों के लिए 25% सीटें बढ़ाएगी। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने इसका ऐलान भी कर दिया है कि शिक्षण सत्र 2019-20 से सामान्य श्रेणी के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10% आरक्षण को लागू करेगा और देश भर में उच्च शिक्षा संस्थानों और विश्वविद्यालयों में करीब 25% सीटें बढ़ाएगा, जिसमें निजी शिक्षण संस्थान भी शामिल होंगे। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि मंत्रालय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी UGC और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद यानी AICTE के अधिकारियों की बैठक में ये फैसला किया गया। शिक्षण सत्र 2019-20 से ही आरक्षण को लागू कर दिया जाएगा और करीब 25% सीटें बढ़ाई जाएगी ताकि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य श्रेणियों के तहत मौजूदा कोटा प्रभावित नहीं हो। बता दें, सामान्य श्रेणी के आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को सरकारी नौकरियों और शिक्षा में 10% आरक्षण देने का संवैधानिक प्रावधान 14 जनवरी से प्रभाव में आ गया है। इस बाबत सरकारी अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। संविधान अधिनियम 2019 को 12 जनवरी को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की मंजूरी मिल गई थी।